नमस्कार, मैं हूँ उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं राजनामा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी से जुड़े आरएसएस मानहानि मामले में आज एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2014 की मानहानि की शिकायत पर गुण दोष के आधार पर शीघ्र निर्णय पाने का वैध अधिकार है। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की एकल पीठ ने 12 जुलाई के आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 सभी के लिए शीघ्र सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई ऐसी चीज है जो बेहद जरूरी है। न्यायालय ने यह टिप्पणी राहुल गांधी की उस याचिका को स्वीकार करते हुए की जिसमें उन्होंने एक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कराने की मांग की थी, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता को लंबित आपराधिक मानहानि शिकायत में नए और अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। बता दें कि 2014 में संघ कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस नेता ने भाषण के दौरान झूठे और अपमानजनक बयान दिए थे कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। 2023 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में मैजिस्ट्रेट अदालत ने कुंटे को राहुल गांधी के भाषण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की अनुमति दी, जो 2014 में कांग्रेस नेता द्वारा दायर एक याचिका का हिस्सा थी, जिसमें उन्हें जारी किए गए समन को रद्द कराने की मांग की गई थी। कुंटे ने तर्क दिया कि अपनी याचिका के हिस्से में अपनी उस प्रतिलिपि को शामिल करके राहुल गांधी ने भाषण और इसकी सामग्री को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। इसके बाद कांग्रेस नेता ने मजिस्ट्रेट के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चौहान ने आदेश दिया कि कुंटे से सवाल पूछा जाए, कहा कि उसके समग्र आचरण के कारण मामले को आवश्यक रूप से विलंबित और लंबा खींचा जा रहा है। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए राजनामा।